of your English book. Term pack 2. ये term pack 2 का first chapter है आपकी English की book का. The title of this chapter is Unhappy Bhola. The title of this chapter lesson का नाम क्या है? Unhappy Bhola. Let's start, student. Once there was a boy called Bhola. एक बार एक लड़का था जिसको भोला कहते थे. He was always unhappy. वो हमेशा दुखी रहता था, ना खुश रहता था. He complained about everything around him. वो हमेशा कंप्लेन करता जो चारों तरफ उसकी चीजें होती. सब चीजों के लिए वो कंप्लेन करता, जो भी चारों तरफ उसके पास चीजें होती हैं, उन सब चीजों के लिए वो कंप्लेन किया करता था. Every morning, हर सुबह, he would wake up and grumble. Grumble होता है कंप्लेन करना, बड़बड़ाना, जिसको हिंदी में बोलते हैं. हर सुबह वो उठता और उठने के बाद बस क्या करता, कंप्लेन किया करता था, बड़बड़ाना शुरू कर देता. क्या बोलता वो? आई फील सो स्लीपी. मैं बहुत, मुझे बहुत नींद आ रही है. वाई कैन नॉट आई गेट अप लेटर. मैं क्यों लेट, देर से नहीं उठ सकता. एट नाइट, और रात के समय, ही वुड ग्रम्बल, और फिर से वो बड़बड़ाता. इट वॉज सो बोरिंग टू स्लीप एक्सक्लेमेशन साइन. ये जो साइन लगा है ना, देखो बेटे, वन डंडा लगाकर बिंदी, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन. ये फीलिंग के साथ में आता है. जब आप पढ़ते हो तो इन चीजों का ध्यान रखा करो, ठीक है? इट वॉज सो बोरिंग, ये बहुत सोना बहुत बोरिंग है. वाई कैन नॉट आई प्ले लॉन्गर. मैं बहुत लंबे समय तक क्यों नहीं खेल सकता. मतलब सुबह उठता है तो कंप्लेन, रात को सोता है तो कंप्लेन. भोला ग्रम्बल बिफोर गोइंग टू स्कूल. और स्कूल जाने से पहले भी वो कंप्लेन करता, बड़बड़ाता. वाई डू आई हैव टू गो टू स्कूल. क्यों मुझे जाना पड़ता है स्कूल. वाई कैन नॉट आई स्टे एट होम. क्यों मैं घर पर नहीं रुक सकता. एंड डू वट आई वॉन्ट डू. और नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूं करना. ऑन हॉलीडे, और छुट्टी वाले दिन, ही वुड ग्रम्बल, और फिर से वो क्या करता, बड़बड़ाता. आई हैव नथिंग टू डू. फिर से एक्सक्लेमेशन साइन. फीलिंग के साथ में जब हम किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो फीलिंग उसके साथ में एक्सक्लेमेशन साइन होता है. और फिर से वो कहता, आई हैव नथिंग टू डू. मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है. छुट्टी वाले दिन उसकी ये कंप्लेन रहती. वाई डू वी हैव हॉलीडेज. और मेरे हमारे पास छुट्टियां क्यों होती हैं. फिर से उसे, फिर से वो बड़बड़ा रहा है इस चीज के लिए, गुस्सा कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है. इन समर, और गर्मियों में, ही वुड कंप्लेन अबाउट हाउ हॉट इट वॉज. और वो कंप्लेन करता गर्मियों में कि इतनी गर्मी क्यों है. गर्मी के, उसे अब गर्मी में भी प्रॉब्लम है. और इन विंटर, ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड. और सर्दियों में उसको इस बात की प्रॉब्लम थी, वो इस वजह से दुखी था कि बहुत ज्यादा ठंड है. When it rained, और जब बारिश होती, भोला was angry. भोला को गुस्सा आता. It was so wet and muddy. ये बहुत गीला और गंदा है. Muddy. फिर से exclamation sign आया. Commas लगे हुए हैं ना. I cannot go out. मैं बाहर नहीं जा सकता. He complained. फिर से वो complain करता. फिर से वो बड़बड़ाता. It was so wet and muddy. ये बहुत गीला और गंदा है. आई कैन नॉट गो आउट. मैं नहीं जा सकता बाहर. ही कंप्लेन. और फिर से वो कंप्लेन करता, वो बड़बड़ाता. नेक्स्ट पेज. भोला वॉज सो अनहैप्पी दैट ही डिड नॉट नोटिस हाउ ब्यूटिफुल हिज विलेज वॉज. वो कंप्लेन इतनी करता था या इस चीज में इतना बिजी रहता था कि उसने कभी ये नोटिस ही नहीं किया कि जो उसका विलेज यानी कि गांव, विलेज मतलब होता है गांव, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, कि उसका गांव कितना सुंदर है. उसने ये कभी नोटिस ही नहीं किया क्योंकि वो क्या, किसमें बिजी था हमेशा. वो इतना हमेशा दुखी रहता था, उसे ये नोटिस ही नहीं किया कि इतना सुंदर उसका गांव है. ऑल अराउंड हिम वर ट्रीज एंड फ्लावर्स. उसके चारों तरफ फूल और पेड़ थे हरे भरे. ही द ट्री वर फुल ऑफ फ्रूट्स. जो ट्रीज थे, पेड़ थे, वो किससे भरे हुए थे, फ्रूट्स से, फलों से भरे हुए थे. बर्ड सैंग ऑन द ट्रीज. और चिड़िया गाती थी
पेड़ों के ऊपर एंड क्वेरल्स, क्वेरल्स होती हैं गिलहरियां, प्लेड कैच विद ईच अदर, खेलती थी आपस में एक दूसरे को पकड़ते हुए, पीपल स्माइल्ड एंड सिंग, लोग खुश होते थे, हंसते थे और गाते थे, एंड समवन इवन डांस, और कुछ लोग तो डांस भी किया करते थे, इतना खुशी वाला माहौल था। बट भोला सा नन ऑफ दैट, लेकिन भोला को कुछ भी नहीं देखता था, वो सिर्फ कंप्लेन में बिजी रहता था। ही वॉज टू बिजी टू कंप्लेनिंग, और बस वो किस चीज में हमेशा बिजी रहता था, कंप्लेन में, कि उसे बस कंप्लेन करनी है कि ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, बस इन चीज में बिजी रहता था। वन डे, एक दिन भोला वॉज सिटिंग अंडर अ चीकू, आप लोगों ने सबने चीकू खाया होगा ना बेटा, चीकू ट्री, एक दिन वो बैठा हुआ था चीकू के ट्री के नीचे। द ट्री वॉज फुल ऑफ चीकूज, जो ट्री है वो भरा हुआ था बहुत सारे चीकुओं से। सम वर ग्रीन, कुछ उसमें से हरे थे, सम वर राइप एंड ब्राउन, कुछ से पके हुए और ब्राउन कलर के थे, राइप होता है पके हुए। नॉट फार अवे, ना ज्यादा दूर, थोड़ा पास ही, ही सा अ क्रीपर ऑन द ग्राउंड, क्रीपर होती है बेल को बोलते हैं, क्रीपर भी बेल होती है, क्लाइंबर भी बेल होती है। क्रीपर वो होती है जिसको, जिसके फ्रूट्स बहुत हैवी होते हैं, जिसकी वजह से उसको ग्राउंड में फैला दिया जाता है, और क्लाइंबर वो बेल होती है जिसको ऊपर, जैसे मनी प्लांट है, ग्रेव वाइन है, जिसके फ्रूट्स या तो होते नहीं, जिस पर फ्रूट्स, या फिर थोड़े हल्के फ्रूट्स होते हैं जो उसको ऊपर चढ़ा के लटका देते हैं सपोर्ट में। बहुत पतला सा ट्री पेड़ होता है बेटा, वो इतना प्लांट पतला होता है, उसका स्टेम इतना पतला होता है कि वो अपने आप से स्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, जो ग्राउंड में फैलाते हैं उसको बोलते हैं क्रीपर, और जो किसी सपोर्ट के साथ में लटका देते हैं उसको बोलते हैं क्लाइंबर। तो ये क्रीपर ऑन द ग्राउंड, उसने क्या देखा, एक बेल जो ग्राउंड में फैली हुई थी। इट वॉज फुल ऑफ बिग हैवी मेलन्स, मेलन्स होता है खरबूजों से, ठीक है, खरबूजे गर्मियों में खाते हैं ना हम लोग। इट वॉज फुल ऑफ बिग हैवी मेलन्स, वो भरी हुई थी भारी खरबूजों से। अ फैमिली ऑफ डियर वॉज हैप्पीली ईटिंग द मेलन्स, एक डियर हिरनों की फैमिली, ठीक है, एक हिरन का परिवार वहां पे हैप्पीली उसको बैलेंस को खरबूजों को खा रहा था। इफ आई कुड मेक द वर्ल्ड अगेन, अगर मैं बना सकता ये संसार दोबारा, आई वुड हैंग द लार्ज मेलन ऑन द ट्री, बिग ट्री, एंड लेट दैट क्रीपर हैव स्मॉल फ्रूट्स। अगर मैं ये, वो बोलता है, ही ग्रम्बल्ड, फिर से उसने बड़बड़ाया, अपने आप में कंप्लेन करी उसने, कि अगर मैं ये संसार दोबारा से बना सकता तो ये जो बड़े बड़े मेलन है मैं एक बड़े बड़े पेड़ पर लटका देता, और जो क्रीपर है पतली सी बेल है उस पर मैं छोटे छोटे फल लगा देता। ये ग्रम्बल कर रहा है, वो बड़बड़ा रहा है। Whoever planned the world got it all wrong, किसने ये सारा संसार बिल्कुल गलत बनाया है। The deer will eating the melon and leave nothing for us, ये जो हिरन है ये सब मेलन खा जाएंगे और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये बड़बड़ा रहा है वो अपने आप में। नेक्स्ट पेज, जस्ट देन, तभी अचानक अ क्वेरल, एक गिलहरी, ड्रॉप्ड अ हाफ ईटन चीकू फ्रॉम द ट्री, अचानक से क्या हुआ, एक गिलहरी ने आधा खाया हुआ चीकू पेड़ से नीचे गिरा दिया। द फ्रूट हीट द भोला ऑन द हेड, अब वो जो फ्रूट है वो कहाँ जाके हीट किया उसने, भोला के सिर पर गिर गया। आउच, फिर से उसने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया है, ये फीलिंग के साथ में था, कैसी वाली फीलिंग आ रही है, सरप्राइज वाली, अचानक से सिर पर चोट लगी है तो उसने बोला आउच, क्राइड भोला इन सरप्राइज, हैरानी से वो चिल्लाया, और क्या चिल्लाया, आउच, कौन सा साइन लगाया हुआ है इसके ऊपर, एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है, मैम पूछेंगे इसके बाद, चैप्टर फिनिश होने के बाद, आप लोग सब ध्यान से पढ़ रहे हैं ना। ही रब्ड हिज हेड एंड थॉट, उसने अपने सिर को रब किया, मला और सोचा, व्हाट इफ अब, ऑन माई हेड,
एक बड़ा फ्रूट अगर मेरे सिर पर गिर जाता। उसने क्या सोचा कि व्हाट इफ अ बिग फ्रूट हैड फॉलन ऑन माय हेड। अगर ये बड़ा फ्रूट मेरे सिर पर गिर जाता तो क्या हो जाता। ही लुक्ड अप एंड द फ्रूट ऑन द ट्री एंड स्माइल। उसने देखा फ्रूट की तरफ जो पेड़ के ऊपर लगे हुए थे और मुस्कुराया। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, द मेलन डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। इस बात से वो मैं खुश हूँ, उसने क्या बोला, ही सेड, उसने बोला कि मैं इस बात से खुश हूँ कि जो मेलन्स हैं, खरबूजे हैं, वो पेड़ के ऊपर नहीं लगते। किस लिए बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है बेटे क्योंकि उसके सिर पर चीकू आके गिरा, छोटा सा चीकू, उसी से उसको उसके सिर पर बहुत दर्द हो गया। सोचो अगर बड़ा सा खरबूजा या तरबूज उसके सिर पर आके गिरता तो सिर फूट जाता ना पूरा अच्छे से। तो जो ईश्वर ने किया है वो अच्छा किया, उसको बात को ये समझ गया, अभी भोला को समझ में आ गया, इसलिए वो खुश होता है। ग्लैड मतलब होता है खुश होना, हैप्पी होना। ठीक है, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा आई थिंक। इनकेस अगर फिर भी कोई डिस्टर्बेंस हुई है तो आप सबको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैम सबके माइक्स ओपन कराएंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड टू कुछ आई विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया। और आप भी भोले जैसे बच्चे मत बनिए, अच्छे बच्चे बनिए कि जो आपके पास है, जो टॉयज आपके पास है, जो बुक्स आपके पास है, उनसे खुश रहना सीखिए बेटा। ये चैप्टर का मॉरल है इसका कि हमें जो हमारे को ईश्वर ने, भगवान जी ने दिया है वो सब बहुत अच्छा है। ठीक है, हमेशा कंप्लेन नहीं करते, जो आपके पास है वो बेस्ट है, उसमें खुश रहते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर से जाते हैं और सर को बोलते हैं कि जी आप सबके माइक्स और वीडियोज ओपन कर दीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। आप चैप्टर, आपको सबको समझ में आ गया? आप सबने ध्यान से सुना है, यस और नो? सर, रोहित सर प्लीज ओपन कर दीजिए माइक सब बच्चों के।